और न्यूयॉर्क के अलावा राजधानी वॉशिंगटन डीसी में भी पीएम मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारी है। टीवी 9 संवाददाता रोहित शर्मा ने उस डायस्पोरा के सदस्यों से बात की जिन्होंने पीएम के स्वागत के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। वॉशिंगटन डीसी से टीवी 9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव कवरेज तैयार है। हम खड़े हैं व्हाइट हाउस के सामने और हमारे साथ वो पावरफुल डायस्पोरा के मेंबर्स हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। मेरे साथ इस डायस्पोरा के उस इवेंट के वो ऑर्गेनाइजर्स हैं और हम उनसे आपकी एक्सक्लूसिव बात कर रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पे। सर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थोड़ा सा हमें बताइए कि ये जो प्रिपरेशन है ये आपने कब स्टार्ट की और लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस इवेंट से? ये जो हम जो है अब 20-25 दिन हो गया है अभी हम ये स्टार्ट किया है पूरा, तो हमारा मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे साथ में खड़े हो गए हैं। 21 तारीख के लिए एक मोदी जी का त्यौहार का माहौल बना हुआ है यहाँ पे। सभी लोग एक तरह की बहुत बड़ा त्यौहार में पार्टिसिपेट करने के लिए सभी तैयार है और ये तो वर्किंग डे हो गया, फिर भी लोग जो है अपने उमंग के साथ छुट्टी लेके तैयार हो गए हैं। सभी लोग ग्रुप ग्रुप्स आ गए हैं, सभी लोग नाच रहे हैं यहाँ पे ये व्हाइट हाउस के सामने और यहीं पे 3 दिन से यहीं पे रुके हैं अपना इंडियन कम्युनिटी। पीएम मोदी को अमेरिका ने स्टेट गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है जो दिखाता है कि दुनिया में भारत का कद काफी बढ़ रहा है। वॉशिंगटन की कई स्ट्रीट पर भारत और अमेरिका के झंडे इस बात को साबित करते हैं। हम खड़े हैं यहां पर बिल्कुल व्हाइट हाउस के सामने जहां पर आप लोगों को याद होगा कि बहुत साल पहले, करीबन 30 साल पहले इन्हीं बैरिकेड्स के, इन्हीं ग्रिल के पीछे नरेंद्र मोदी जी ने एक विजिटर के तौर पे फोटो खिंचाई थी। और मैं चाहूंगा आज हम आपको दिखाएं कि किस तरह की तैयारियां जो है वो यहां पे हो रही है। आज व्हाइट हाउस के सामने इस पेंसिल्वेनिया एवेन्यू पे मैं चाहूंगा हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से भारत के जो फ्लैग्स है वो लगे हुए हैं जगह जगह पर व्हाइट हाउस के आसपास। आगे पीछे जो 6 स्ट्रीट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, पेंसिल्वेनिया एवेन्यू, आई स्ट्रीट, एच स्ट्रीट, यहां तक कि कैपिटल तक जाने वाला रास्ता, वहां पे भारत के झंडे लगे हैं। इस तरह की रिस्पेक्ट आज भारत को मिल रही है, जिस तरह का योगदान आज भारत ग्लोबल स्टेज पे दे रहा है, उस तरह की रिस्पेक्ट आज भारत को व्हाइट हाउस दे रहा है। व्हाइट हाउस ये साफ कह रहा है कि आप हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी को स्टेट विजिट पे बुलाकर ये इंडिकेशन दिया है और बताया जाने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने ये झंडे लगाकर पूरी दुनिया को बताया जा रहा है कि आज भारत कितना इंपॉर्टेंट है, भारत का रोल इस दुनिया में किस तरह से है और आने वाले समय में, अगले 3 दिन में बार बार इस बात का आपको अमेरिका बार बार एहसास दिलाएगा पूरी दुनिया को कि भारत आज एक ग्लोबल पावर है।